हाय फ्रेंड्स, बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियरिंग प्रिपरेशन में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉयलर फ्लू गैस एनालिसिस। फ्लू गैस एनालिसिस में हम पढ़ेंगे कि जो कम्बस्टन के बाद जो कम्बस्टन प्रोडक्ट बनता है वो कौन कौन सा होता है कम्बस्टन प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में मेनली हम गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे एस के बारे में नहीं पढ़ेंगे। और दूसरा हमारा उसका इन्वायरमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसकी लिमिट्स कितनी होती है और उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं अगर हम उसको एक प्रिस्क्राइब लिमिट में नहीं रखते हैं तो। और ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है बीओए के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इवन हमारे डेली ऑपरेशन में भी अगर हम ऑपरेशन से बिलोंग करते हैं और पावर प्लांट चलाते हैं तो हम वेल नोन है इसके बारे में और इसके लिमिट्स के बारे में। तो आइए वो सब चीज़ डिस्कस करते हैं आज अपने टॉपिक में, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ्लू गैस कंस्टिट्यूएंट से स्टार्ट करेंगे। जो मेन कंस्टिट्यूएंट है कम्बस्टन का वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो हम सब जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यानी कि हम 1 kg ऑफ कार्बन को जब कंप्लीट कम्बशन कराते हैं और वो कंप्लीट कम्बशन होने के बाद CO2 पूरा पूरा बनता है, तो उस कंडीशन में हमारा 8137 किलो कैलोरी ऑफ हीट लिबरेट होता है। लेकिन अगर ये CO2 ना बन करके केवल CO बने, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, उस कंडीशन में क्या होता है, केवल जो केवल और केवल 2452 किलो कैलोरी ऑफ हीट लिबरेट होता है, यानी कि 2/3 ऑफ दिस जो CO2 के कारण हीट लिबरेट होता है उसका 2/3 हीट CO के फॉर्म में CO के पास रहती है। और अगर वो बिना किसी कम्बस्ट में पार्टिसिपेट किए या फिर कम्बस्टाइल हुए बॉयलर से बाहर चली जाती है तो हमारा उतना उतना हीट लॉस हो जाता है। तो हमारा ये रहता है कि हमारा मैक्सिमम CO को हम यूटिलाइज कर सकें जितना हो सके, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है क्योंकि हम ज़्यादा CO यूटिलाइज करने के चक्कर में एयर बहुत ज़्यादा एयर सप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि उससे हमारे अदर लॉसेज बढ़ जाते हैं। तो उसकी कितना रखना है, कितनी लिमिट रखनी है, हम आज डिस्कस करेंगे उसके बारे में। आगे चलते हैं। तीसरा है हमारा ऑक्सीजन, जो कि हमारा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है और कम्बस्टन का मेन कंस्टिट्यूएंट है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो हमारा कम्बस्टन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है SOx, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, H2SO4, K2SO4, Na2SO4, ये सब H2SO3, ये सब SOx के फॉर्म में है रहते हैं। तो मेनली SO2 SO3 होते हैं हम जिनके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये सब क्या होते हैं, दोनों मिलकर के H2SO4 फॉर्म करते हैं, एसिड बनाते हैं, और ये एसिड हमारा बहुत ही हानिकारक होता है। पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कि अगर हम सल्फर का कम्बस्टन होने के बाद सल्फर डाइऑक्साइड बनता है उस कंडीशन में हमारा 2181 किलो कैलोरी ऑफ हीट यूज होता है, मतलब इतना हमको हीट मिलता है। लेकिन ये जितना हमको फायदा नहीं होता उससे नुकसान होता है इसके हमारे मटेरियल के ऊपर, क्योंकि क्या है कि इसको हम लिमिट, ये सीपीसीबी द्वारा लिमिटेड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल के द्वारा इसको लिमिट किया जाती है, कहाँ है किसकी लिमिट सेट की जाती है कि इससे ज़्यादा हमारा SOx इन्वायरमेंट में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि हमारे ह्यूमन में लंग्स के ऊपर भी इफेक्ट डालता है, बहुत सारी बीमारियाँ लाता है सल्फर, अगर हम सल्फर या सल्फर डाइऑक्साइड लेते हैं, ये वन ऑफ द रीज़न है, एसिड रेन का भी रीज़न है, और बिल्डिंग या फिर कहीं भी अप रोड्स या फिर कहीं भी कोई भी जगह है वहाँ पर ये जाता है और H2SO4 फॉर्म करता है, एसिड फॉर्म करता है, तो किसी फॉर्म में भी तो वो एसिडिक एरिया उसको नुकसान करता है। इवन ये पानी में मिलकर के भी नुकसानदेह है, पानी में मिलता है तो भी ये हर जगह, मतलब ये इसकी लिमिट है, अगर उस लिमिट से ज़्यादा होता है तो फिर बहुत नुकसानदेह है। तो इसके लिए इसको कंट्रोल करने के लिए CPCB द्वारा इसको लिमिट किया जाता है, कहाँ इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कुछ सल्फर जो है पायरेट्स के फॉर्म में हमारे कोल में मौजूद होता है, लेकिन हम उसको वॉशिंग के द्वारा रिमूव कर सकते हैं। लो सल्फर फ्यूल जो है हमारा बहुत प्रेफरेबल होता है, वो मेनली हमारे ये लो सल्फर फ्यूल हमारा मेनली हम PF बॉयलर में यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर कंट्रोल करने के लाइम हमारे पास नहीं होता है, लेकिन हाँ हमारा FBC बॉयलर हम चला रहे हैं तो हमें पता होगा कि हम वहाँ पर लाइम के द्वारा कंट्रोल करते हैं, लाइम डाल करके हम कैल्सिडेशन के द्वारा हमारा सल्फर एब्जॉर्प्शन कैल्सिडेशन का सल्फर एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है लाइम में, तो हमारा SOx जो है वो कम हो जाता है, लिमिट कम हो जाती है, तब जो हमारा फ्लू गैस में SOx की मात्रा कम हो जाती है तो हम लिमिट्स को जो अपना CPCB जो टारगेट है वो अचीव कर लेते हैं। अगर हम नहीं करते हैं तो हमारा प्लांट तो बंद होने वाला है बॉस। और दूसरा एक होता है कहाँ लाइम वाटर स्प्रे भी करते हैं कहीं कहीं, तो एक वन ऑफ द रीज़न है उसको कंट्रोल करने का। नेक्स्ट है ये क्या होता है कि जब हमारा एक्वस वेपर है, यानी कि अगर हमारा ये SOx फॉर्मेशन होता है और हमारा सोमड़ा मॉइस्चर रहता है, ये नो डाउट वो मॉइस्चर जाकर के हमारा एक
एक्वस वेपर बनता है, और वो जब ड्यू पॉइंट से जो एसिड का ड्यू पॉइंट है उससे नीचे डाउन कम होता है, तो वो क्या होता है, कंडेंसेशन हो जाता है और जो मटेरियल है मेटल है उस पर जाकर चिपक जाता है। तो ये कहाँ पे होता है? नॉर्मली ये लो एंड पॉइंट जो होते हैं ना, जिसको हम जानते हैं लो एंड टेम्परेचर पॉइंट जो होते हैं, मेनली वो इकोनोमाइजर के बाद के जितने भी होते हैं ना पोर्सन, चाहे वो ESP ले लीजिए या फिर अपना डक्ट ले लीजिए, ESP के बहुत सारे डक्ट है, या फिर आईडी फैन ले लीजिए, आईडी फैन के बाद का डक्ट है, ये सब लो एंड पॉइंट बोले जाते हैं। कि यहाँ क्या होता है, टेम्परेचर फ्लूगेस का बहुत कम होता है, हम सारा सारा फ्लूगेस का टेम्परेचर यूटिलाइज कर चुके होते हैं सुपर हीटर, री हीटर्स और APH और इकोनोमाइजर में। तो मतलब वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो 120-130 के आसपास होता है, तो वो क्या होता है कि लो एंड पॉइंट बोलते हैं, और वहाँ पर कंडेंसेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमारा जो हमारा फ्लूगस टेम्परेचर हम बोलते हैं कि हाँ हमारा 120-130 से 30 से ऊपर होना चाहिए, ताकि हमारा लो एंड करोजन ना हो और ड्यू पॉइंट से एसिड ड्यू पॉइंट से टेम्परेचर ज़्यादा हो। तो ये बताया मैंने, जैसा डिस्कस कर चुके हैं कि हाँ ये सब SOx, SO2SO3, K2SO4, Na2SO4, H2SO4, ये सब उसके पार्ट्स हैं SOx के। दिस एसिड में काज सीवियर अटैक ऑन द स्टील सर्फेस रिजल्टिंग करोजन एंड वेस्टिंग। अगर करोजन होगा तो हमारा मटेरियल फेलियर होगा और वेस्टिंग होगा, नो डाउट, नोन एज लो टेम्परेचर करोजन। लोअर द ड्यू पॉइंट लोअर द चांसेस ऑफ करोजन। अगर हमारा ड्यू पॉइंट कम है तो हमारा करोजन के चांसेस कम रहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमारा ड्यू पॉइंट मान लीजिए 70-80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, एसिड का ड्यू पॉइंट है, और हमारा फ्लूगस टेम्परेचर 130 के आसपास, 120 के आसपास है, इवन 110 भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर वो वहाँ पर कंडेंसेशन नहीं होगा एसिड का और वो नहीं चिपकेगा मेटल पे और आराम से बाहर निकल जाएगा। तो हमारा मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ रहता है, बट एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। लेकिन ये लो एंड करोजन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमारा ड्यू पॉइंट एसिड का कम है तो हमारा करोजन के चांसेस कम रहेंगे, और अगर ज़्यादा होता है यानी कि 130 या 140 150 रहता है तो हमारा फ्लूगस लॉसेस तो बढ़ेंगे बढ़ेगा, कि हमें मजबूरी है कि हमारा मटेरियल बचाना है, तो हमें क्या होगा कि हम ज़्यादा टेम्परेचर रखेंगे, 130 140 150 से ज़्यादा टेम्परेचर रखेंगे, जिससे हमारा बॉयलर लॉसेस बढ़ जाएंगे। जैसा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हाँ SOx एसिड रेन का वन ऑफ द रीजन है, ये SOx और NOx दोनों एसिड रेन के पार्ट्स हैं, HNO3 और H2SO4 दोनों फॉर्म होता है, तो ये SOx भी है उसमें से एक। टू अवॉइड करोजन एट ऑल पॉइंट फ्लूगस टेम्परेचर एग्जिस्ट मस्ट बी ग्रेटर देन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। कोल्ड एंड करोजन कुड बी रिड्यूस बाई इंजेक्टिंग अमोनिया। कुछ हद तक अमोनिया को इंजेक्ट करके भी हम कोल्ड एंड करोजन को कंट्रोल करते हैं, लेकिन क्या होता है, ये फ्यूम्स बहुत क्रिएट करता है और इसके कारण ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेट नॉक्स के बारे में बात करेंगे, कि हाँ नॉक्स के जो मेन हमारे जैसे कि एटमोस्फेरिक एयर में हमको पता है कि हाँ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मेन कंस्टिट्यूएंट्स हैं, अबाउट 78% ऑफ नाइट्रोजन होता है। जब नाइट्रोजन ऐसा तो कोई रिएक्शन में पार्ट नहीं करता है, लेकिन जब ये फर्नेस में जाता है और एक टेम्परेचर अचीव करता है, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ जाती है ऑक्साइड्स की। तो हमारा जो टारगेट होता है कि हम उस टेम्परेचर तक ना पहुँचने दें, उसके पहले ही हम रखें, ताकि हमारा उतना नॉक्स का इमिशन कम हो जाए। फॉर्मेशन कम होगा तो इमिशन भी कम होगा, नो डाउट। तो हमारा ये टारगेट रहता है कि हमारा टेम्परेचर है वो कम से लोअर साइड में रहे, फर्नेस का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, बॉयलर के अंदर जो मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ पे होता है, जहाँ पे हमारा कम्बशन होता है, तो वो टेम्परेचर अगर हमारा 2800 डिग्री फॉरनहाइट से कम है, यानी 1400-1500 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, तो ऑब्वियस बात है कि हमारा नॉक्स फॉर्मेशन कम होगा। एसिड रेन का रीजन है, जैसा हम हमेशा मैं पहले भी बता चुका हूँ और हमको अच्छे से पता है, वही जो मैं पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा टेम्परेचर जो है कब, यहाँ पे क्या होता है, 2800 डिग्री फॉरनहाइट पे ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ मतलब नॉक्स बहुत ज़्यादा बढ़ता है, मतलब अब उसके पहले रहता है लेकिन बहुत कम रहता है, लेकिन ये इतने टेम्परेचर, इस टेम्परेचर के आने के बाद बहुत ही हाई, बहुत तेज़ी से बढ़ता है ये। तो यहाँ पर हम करते हैं कि हमारा ये नॉर्मली क्या होता है कि जनरली ये टेम्परेचर हमारा PF फायर्ड बॉलर होते हैं, पोलराइज फ्यूल वाले, वहाँ पे अचीव होता है, बाकी FBC बॉलर में इतना टेम्परेचर नहीं आता है। इसलिए हम आज जैसे जैसे CPCB की नॉक्स की लिमिट इम्प्रूव होती जा रही है, हमारा क्या होता है कम होती जा रही है, वैसे वैसे हम FBC की तरफ जाते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है तो नॉक्स फॉर्मेशन भी कम होता है। और दूसरा है कि हमारा अगर एक्सेस एयर ज़्यादा होगा तो नॉक्स ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि हमारा एटमोसफेयर 78% नाइट्रोजन है तो ऑब्वियस बात बढ़ेगा। तो हमारा अगर 5-7% हम O2 चला रहे हैं तो हमारा नॉक्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि हाँ जैसा ऑक्सीजन सॉरी ये नहीं, ये 1% है
1% है, और ये 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन, नॉक्स है, सॉरी नाइट्रोजन है, ये मैंने गलत डाल दिया है, नाइट्रोजन। दूसरा है, नेक्स्ट है हमारा स्मोट के बारे में पढ़ेंगे। स्मोट इज एन एसिड एग्लोमरेट ऑफ कार्बन पार्टिकल रिजल्टिंग फॉर्म अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेक सॉलिड एंड प्रोडक्ट ऑफ लो टेम्परेचर करोजन। स्मोट इमिशन फ्रॉम अ चिमनी। स्मोट क्या होता है कि जब हम एसिड जो है उसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कम चलाते हैं तो जो एसिड कंडेंसेट होकर के मेटल पर चिपक जाता है, तो वो क्या होता है, चिपकने के बाद फ्लूगेस या फिर कार्बन पार्टिकल्स हैं उस पर चिपक करके वो एक्यूमुलेट होके थोड़ा बड़े बन जाते हैं, और उसके बाद जब हमारा लोड कम या ज़्यादा होता है तो फिर क्या होता है कि अचानक वो टूट करके चिमनी से बाहर चले जाते हैं, और थोड़ा वेट होने की वजह से वो कहीं ना कहीं जा करके गिर जाते हैं, या बिल्डिंगों पे, छतों पे, कारों पे, तो इसके अंदर थोड़ा एसिड कंटेंट होता है, तो जहाँ भी जाता है ये उसको हार्म पहुँचाता है, तो ये भी हमें कंट्रोल करना पड़ता है। और ये बीओई में आ चुका है इसके बारे में, ये इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है, बीओई में आया है, तो इसके बारे में भी आप जान लीजिए। नेक्स्ट, बहुत बार ऑब्जेक्टिव आया है कि हम फ्लूगस का जो एनालिसिस करते हैं कि हाँ फ्लूगस में कितना कितना क्या क्या है, CO2 कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, SOx कितना है, NOx कितना है, ये सब कैसे मेजर करते हैं, फ्लूगस एनालिसिस कैसे करते हैं, तो वो हम करते हैं ऑर्सेट एपरेटस के थ्रू करते हैं, और ये एक लंबा प्रोसेस है, तो हम इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे, इसका एक नया वीडियो बनाएंगे तो उसके बारे में इसके पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे उस टाइम पे। बाकी हमें पता होना चाहिए कि हाँ ये ऑर्सेट एपरेटस बहुत बार ऑब्जेक्टिव आया है क्वेश्चन, और इवन एक नंबर या दो नंबर में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा, अगर एक्सेस एयर ज़्यादा है तो उस कंडीशन में क्या क्या इंपैक्ट पड़ेंगे, ये टॉपिक हम कंबस्टन में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ इसको देख लेते हैं। पहला, नॉक्स फॉर्मेशन बढ़ जाएगा, फ्यूल यूज बढ़ जाएगा, नॉक्स बढ़ा मैंने बताया था कि हाँ हमारा एक्सेस एयर ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, एटमोसफेयर में 78% नाइट्रोजन है तो हमारा नॉक्स फॉर्मेशन बढ़ जाएगा, फ्यूल यूजेज बढ़ इंक्रीज इंक्रीज फ्यूल यूजेज, यानी कि हमारा अगर एयर ज़्यादा हमने डाला है तो हमें बॉयलर को जो है कंबस्टन के लिए और रिक्वायर्ड टेम्परेचर के लिए, फर्नेस टेम्परेचर के लिए हमको फ्यूल ज़्यादा डालना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले ही एयर ज़्यादा डाल दिया है, तो उस चीज़ को हमें टेम्परेचर अचीव करने के लिए फ्यूल ज़्यादा डालना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली हमारा वो भी लॉस होता है। तो उसके रिजल्ट क्या होंगे कि हमारा ड्राई फ्लू गैस लॉसेज बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमने एयर तो वैसे ही पहले डाल दी है और उसके बाद फ्यूल भी डाल दिया है, ड्राई फ्लू गैस लॉसेज बढ़ेंगे तो बॉयलर लॉसेज कम हो जाएंगे, क्योंकि ड्राई फ्लू गैस लॉस जो होता है वो हमारा बॉयलर लॉसेस का सबसे बड़ा लॉस होता है, अबाउट 35 से 40% लॉस जो होता है ड्राई फ्लू गैस के फॉर्म में होता है, तो अगर ये लॉस बढ़ रहा है तो हमारा बॉयलर इनएफिशियंट चला रहे हैं हम। नेक्स्ट है, लॉस ऑफ फैन पावर ड्यू टू द एक्स्ट्रा एयर सप्लाई एंड फ्लू गैस सक्शन। तो ऑब्वियस बात है कि हम फ्लू गैस हम आईडी फैन का पावर बढ़ जाएगा, और एयर सप्लाई कर रहे हैं वो भी अनवांटेड कर रहे हैं, तो हमारा फैन का पावर बढ़ रहा है, और एलिवेटेड नॉक्स इमिशन वो भी बढ़ रहा है। नेक्स्ट, अगर फ्यूल रिच है उस कंडीशन में क्या है, अगर हमारा फ्यूल रिच है तो हमारा CO फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगा, एयर कम है फ्यूल ज़्यादा है, तो CO इंस्टेड ऑफ CO2 क्या होगा, हमारा CO फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन कम मात्रा में है, तो वो बहुत डेंजरस है हमारे लिए, और फ्यूल हमें जो भी हमारा है वो फ्यूल लॉस हो रहा है, हाई फ्यूल लॉस हो रहा है, फ्यूल ज़्यादा होगा यूज़, और उसके बाद क्या रिजल्ट क्या, फ्यूल लॉस, एफिशिएंसी लॉस, और अनसेफ तो है ही, क्योंकि CO अपने आप में बहुत डेंजरस होता है, जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी बॉयलर के ब्लास्ट होते हैं मैक्सिमम CO के कारण ही होते हैं। ये एक डायग्राम है, आप मैं चाहूँगा कि आप BOE में या फिर अगर कहीं भी आप एग्जाम दें या BW के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें भी, तो एक डायग्राम आपके पास जरूर रहे, अगर आप थ्योरी आपके क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड तो आपके पास एक डायग्राम होना चाहिए, और ये बहुत ईजी मुझे लगा इसलिए मैं आपको ले लिया इस चीज़ को, अगर आपके पास कोई और डायग्राम है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी ये बहुत काफ़ी इजी है। अगर हमारा एक्सेस एयर ज़्यादा है उस कंडीशन में और एक्सेस एयर कम है उस कंडीशन में इस चीज़ को कैसे करेंगे, एक्सेस एयर ज़्यादा है मतलब कि हमारा O2 क्या होगा, O2 यहाँ पे कम हो रहा है तभी हमारा एक्सेस एयर कम है, तो एक्सेस एयर कम होने का मतलब हमारा CO बढ़ रहा है, ठीक है, और CO बढ़ रहा है इसका मतलब है कि हमारा एफिशिएंसी डिप्रिसिएट हो रही है। सेम कंडीशन में अगर हमारा एक्सेस एयर ज़्यादा हो रहा है उस कंडीशन में नॉक्स बढ़ेगा, और उस कंडीशन में हमारा एफिशिएंसी, क्योंकि अगर हमारा नॉक्स बढ़ रहा है तो ड्राई फ्लू गैस बढ़ेंगे, और O2 बढ़ेगा तो फ्लू फ्लू गैस भी बढ़ेगा, तो कुल मिलाकर के हमारा जो एफिशिएंट वे है वो यहाँ पे है, तो ये ऑपरेटिंग प्रोसेस हमको अचीव करना होता है हमारे डेली ऑपरेशन में, तो ये हमारा लगभग 2 से 5% एक्सेस O2 रखते हैं, उसी के बीच में रखते हैं, उससे ज़्यादा और उससे कम नहीं रखते हैं, दोनों कंडीशन में हमारा बॉयलर लॉसेस बढ़ जाते हैं और
अनसेफ भी होता है। नेक्स्ट है एनालाइजर के बारे में, जैसे ऑक्सीजन मीटर या ऑक्सीजन एनालाइजर भी करते हैं, तो इसको हम मोस्टली एपीएच के पहले लगाते हैं ताकि हमने कितना एयर डाला है, सप्लाई किया है उस फ्यूल कम्बस्टन के लिए, उसको मेजर करते हैं। कहीं के दोनों जगह लगाते हैं, एपीएच के पहले और एपीएच के बाद में भी लगाते हैं, लेकिन हमारा एपीएच के पहले लगाने का ये रीज़न होता है कि अगर हमारा कहीं से एपीएच में एयर इनग्रेस हो रहा है तो वो मिक्स होकर, हमें ऐसा ना हो कि हाँ वो मिसलीड ना करे कि हाँ जितना हमने एयर दिया वो एयर ज़्यादा दिया है, फिर हम एयर कम करें। क्योंकि अगर हमारा एपीएच से एयर लीकेज हो रहा है तो, और हमने ऑटो एनालाइजर एपीएच के बाद डाल दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो एपीएच का लीकेज एयर है उसका ऑटो भी बताएगा वहां पर, तो हमें लगेगा कि हम करस्पॉन्डिंगली जो है ज़्यादा एयर दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं बॉयलर को, तो हम क्या करेंगे फिर कम एयर देंगे अपने फर्नेस में, कम्बस्टन में, जो कि अनसेफ है। उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा सीओ फॉर्मेशन ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए हमारा मेन होता है कि हमारा जो ऑटो एनालाइजर हो वो एपीएच के पहले लगाते हैं हम। ये किससे ज़्यादातर रीजेनरेटिव टाइप जो होता है ना, एयर प्री हीटर, वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे लीकेज ज़्यादा होते हैं एयर का, तो कहीं की दोनों जगह लगाते हैं, हमें एपीएच का लीकेज ही पता करना होता है, तो हम दोनों जगह लगाते हैं, बाकी हम एपीएच के पहले लगाते हैं। नेक्स्ट सीओ एनालाइजर जो होता है वो ईएसपी के पहले लगाते हैं, आपको पता ही होगा, फिर भी अगर आपने, आप नए नए हैं पावर प्लांट पर, तो आप जाकर जरूर देखें। ये ज़्यादातर इसलिए लगाते हैं कि हमारा जो कम्बस्टन होने के बाद जो सीओ है वो ऐसा ना हो कि हाँ ईएसपी में जाकर एक्युमुलेट होकर वहाँ पे क्रिएट करे ब्लास्ट होने या अनसेफ कंडीशन क्रिएट करें, तो हम वहाँ पे उसके पहले ही लगाते हैं। सॉक्स नॉक्स और एसपीएम जो है वो चिमनी पे लगाते हैं, स्टैक पे लगाते हैं, उसके पहले टपकी टैपिंग भी दे सकते हैं, और उसकी लिमिट होती है 600 मिलीग्राम पर एन एम क्यू, 100 मिलीग्राम नॉक्स की और 50 मिलीग्राम पर एन एम क्यू, अभी प्रेजेंट सिनेरियो में थर्मल पावर प्लांट के लिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, कम्बस्टन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में फिर आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हम जो हमें यूटिलाइज आएंगी, यूज़ आएंगी पीओई प्रिपरेशन में। तब तक बने रहिए मेरे साथ और पढ़ते रहिए और अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।